अपना आईक्यू Z7 21 तारीख को लॉन्च होने वाला है, यानी कि 21 मार्च को। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि फ़ोन अपने किस प्राइस के आसपास देखने को मिल सकता है, आपको फ़ोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस फोन के बारे में बात करने वाले हैं, उस फोन के बारे में आपको शुरुआत में काफ़ी कुछ बता चुका हूं। वैसे मैं आपको कुछ और बताऊं तो ये बता सकता हूं कि फोन अपना बेस वेरिएंट 8GB की रैम 128GB की रोम के साथ आएगा, जिसका प्राइस आपको अंडर 20,000 देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर क्लिक वेट वाला सीन कर दिया, आप ज़्यादातर लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, उसे तो मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने आईक्यू Z7 की, जो मेरे नहीं रही सादगी, चलो कैसी रही उसकी सादगी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। तो इस फोन में आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी फ़ोन के अंदर एक चीज़ बेकार की गई कि अभी भी वाटर ड्रॉप नॉच टाइप मिल रही है इस फ़ोन में 20,000 के प्राइस में। भाई वाटर ड्रॉप नॉच टाइप 2023 के अंदर, समझ रहे हो आप, मतलब कहाँ पैसे बचाए जा रहे हैं। बाकी फ़ोन में आपको HDR10+ का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, मतलब उधर कोई दिक्कत नहीं है। बैक साइड आपको प्लास्टिक की मिलेगी, समझ रहे हो कहाँ पैसे बचाए जा रहे हैं। बैक साइड में आपको दो कैमरे मिलेंगे, जहाँ पर आपको अल्ट्रावाइड का कैमरा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। बाकी जब आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा ना, आपको 64 MP का मिलेगा OIS के साथ, 2 MP का दूसरा कैमरा मिलेगा, यूजलेस 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 16 MP की सेल्फी मिलेगी, एंड सेल्फी से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। प्रोसेसर आपको मिलेगा Dimensity 920 का, जो कि आपको 6 NM का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, उधर भी कोई दिक्कत नहीं है, GB वगैरह सब बढ़िया क्लास का मिल जाएगा। बैटरी 5000 mAh की मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, फोन आपकी 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, एंड आपको 44W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा, समझ रहे हो पैसे कहाँ बचाए जा रहे हैं। बाकी आपको 3.5 को जैक मिलेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक सारे सेंसर मिल जाएंगे, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, फ्रंट टच ओएस मिल जाएगा। फोन आपको 8 MM की कम थिकनेस के साथ मिलेगा, मतलब 8 MM से कम होगी, बट हाँ एक स्लिम साइड में फ़ोन रहने वाला है, मैंने नोट करा था, बट अब भाई मैं अपनी राइटिंग ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सोच रहे हो, समझ रहे हो आप लोग। बाकी LPDDR4X रैम टाइप मिलेगी, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, कूलिंग चैम्बर वगैरह मिल जाएगा। प्राइस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, अंडर 20,000 रहने वाला है, 8GB की रैम 128GB की रोम के साथ। तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको ये फोन कैसा लगा, मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा क्योंकि फोन में अल्ट्रावाइड का कैमरा नहीं है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हो कि हमेशा मैं इतना ही रूड क्यों रहता हूँ अल्ट्रावाइड के कैमरे को लेकर। तो भाई मेरे को पसंद है अल्ट्रावाइड का कैमरा, मेरे को मतलब ज़्यादा दोस्त है, ज़्यादा होमीज है, तो सबके साथ में फोटो वोटो खींचनी रहती है, ये वाला सीन रहता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लो, उसे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है कल की किसी वीडियो OPOG वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।